धामनोद बायपास पर इंदौर से खरगोन की ओर जा रहे कार लेकर युवक को आरोपी ने गोली मारी और कार लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है धामनोद बायपास शनिवार दोपहर को इंदौर से खरगोन की ओर विनोद साहू एवं उनकी पत्नी शालिनी साहू एवं उनके साथ राजेश शर्मा, उनकी लड़की रेणु शर्मा किसी प्रॉपर्टी को देखकर बयाना देने के लिए खरगोन जा रहे थे। तभी धामनोद बायपास पर विनोद शर्मा ने बाथरूम करने के बहाने कार को रुकवाया एवं विनोद साहू को समझ पाते तब तक राजेश शर्मा ने बंदूक निकालकर उनके कंधे पर गोली मार दी। वहीं राजेश शर्मा और उनकी बेटी कार एवं रुपए लेकर फरार हो गए। फरियादी विनोद शर्मा उनकी पत्नी किसी से लिफ्ट लेकर धामनोद के अस्पताल पहुंचे, जहां पर सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राजकुमार यादव उनकी टीम के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचकर उनका प्राथमिक उपचार कर धामनोद से इंदौर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाड़ी लूट के ले गए, गोली मार। कौन सी गाड़ी थी? स्विफ्ट। कहाँ पे हुई गई घटना? ये धामनोद बाईपास पे। धामनोद बाईपास। कुछ रुपया वुपया भी, मतलब रुपया है उसमें? गाड़ी में बैग है, बैग बैग है, मोबाइल है। ये विनोद साहू है, ये भवानी नगर सागर रोड थाना बड़ा के रहने वाले हैं। ये अपनी पत्नी के साथ में, शालिनी साहू के साथ में स्विफ्ट गाड़ी मारे थे और इन्हीं के साथ में इनके द्वारा बताया गया कि एक ब्रोकर हैं राजेश शर्मा और उनकी लड़की रेणु। इन्होंने बताया कि जो हम अपने मकान का सौदा करना चाह रहे थे उसमें खरगोन जा रहे थे और वहाँ से किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे। खरगोन के व्यक्ति को इनने मकान दिलवा रहे थे राजेश शर्मा, तो रास्ते में यहाँ बाईपास पे वहाँ इनको गोली विनोद साहू को मारी, कंधे में गोली लगी और वो गाड़ी लेके चले गए।